ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस का अब खालिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस अब उनके करीबियों के तलाश में है। दिल्ली की एक कोर्ट ने दिशा के दो साथी निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि दिशा और निकिता ने खालिस्तानी समर्थक माने जाने वाले पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के फाउंडर M.O. धालीवाल के साथ जूम ऐप पर मीटिंग की थी। इस मीटिंग का मकसद 26 जनवरी से पहले सोशल मीडिया पर खलबली मचाना था। लेकिन इन सब का इस केस से क्या संबंध है, इन पर क्या आरोप लगे हैं, तो हम आपको बता दें, खालिस्तानी समर्थक धालीवाल के संगठन ने ही इस टूलकिट को बनाया था। दिशा ने उस टूलकिट को एडिट कर शेयर किया था और निकिता पर धालीवाल के साथ जूम पर मीटिंग करने का आरोप है। लेकिन शांतनु के बारे में पुलिस ने अभी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। एक्टिविस्ट दिशा की गिरफ्तारी का विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और शशि थरूर ने दिशा के समर्थन में ट्वीट किया है। वहीं मामले को लेकर लेफ्ट, समाजवादी पार्टी और किसान नेता भी नाराज हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।